दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आज आईपीएल का 20वां मुकाबला खेला गया। दोस्तों आइए इस मैच के पूरे हाईलाइट के बारे में बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि कौन सी टीम इस मैच को जीती और किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको ऐसी ही लगातार अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों इस मैच की अगर बात करें तो इस मैच में टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। अगर रन बनाने की बात करें तो बटलर ने 11 गेंदों में 13 रन जिनमें एक चौका और एक छक्का लगाया। पार्टिकल ने 29 गेंदों में 29 रन 4 चौके लगाए। संजू सैमसन की बात करें तो 12 गेंदों में 13 रन बनाए और डुसेन की बात करें 4 गेंदों में 4 रन। हेमी मीर ने बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ बैटिंग की जिसमें आज 6 छक्के लगाए और 36 गेंदों में 59 रन की लाजवाब पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन भी 23 गेंदों में 28 रन की का सहयोग दिए और 2 शानदार छक्के लगाए। पराग की बात करें तो 4 गेंदों में 8 रन। बोल्ट ने 1 गेंद में 2 रन बनाया और अतिरिक्त के रूप में 9 रन आए। तो कुल मिलाकर के 165 रन बनाए गए राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से 6 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बैटिंग करना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग शुरू किया दोस्तों। लेकिन आज की अगर बात करें मैच की तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में केएल राहुल, क्वांटम डिकॉक के मैथम, जेसन होल्डर, डी हुड्डा और खिलाड़ियों की बात करें तो मार्क स्टोनिस, आयुष बडोनी, कुणाल पांड्या, आवेश खान, दुष्मंता चमीरा, रविचंद्रन अश्विन इतने खिलाड़ी थे। अब दोस्तों अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स के टीम की विकेट गिरने की तो राजस्थान रॉयल्स का पहला विकेट गिरा था 42 के स्कोर पर। जेस बटलर आउट हुए थे 60 पर। संजू सैमसन आउट हुए थे 64 के स्कोर पर। तीसरा विकेट पार्टिकल आउट हुए थे 67 के स्कोर पर। वैन डेर ड्यूसेन आउट हुए थे 135 पर। रविचंद्रन अश्विन आउट हुए थे और 163 के स्कोर पर। छठा विकेट रियान पराग का गिरा 19.5 ओवर में। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स के टीम के विकेट गिरे थे आज। और लखनऊ की अगर विकेट गिरने की बात करें तो लखनऊ को पहला छटका लगा था के राहुल के रूप में। के राहुल बिना अपना खाता खोले ही